10 अगस्त से राजू श्रीवास्तव जो है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी वेंटिलेटर पे है और अभी भी उनकी तबीयत जो है नाजुक ही बताई जा रही है। पहले से बेहतर है ज़रूर, उनके बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स जो है अब फंक्शन करते हुए नॉर्मली नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने अभी तक उन्हें वेंटिलेटर पे ही रखा है और उनके तबीयत जब ठीक होगी तभी वेंटिलेटर से निकालेंगे ये कहा जा रहा है। और इस सब में राजू श्रीवास्तव की बेटी जो है पहली बार अपने पिता से मिली और उसके बाद मीडिया में एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इस बात को मानने से इनकार किया। चलिए बताते हैं क्या कुछ हुआ है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, आईसीयू में 10 अगस्त से हमें राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में है, ये तो पता ही है। बहुत लंबे समय तक उन्हें उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, कोई भी परिवार वाला अलाउड नहीं था उनसे मिलने के लिए। उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, अभी भी वो अनकॉन्शियस ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी वाइफ को कुछ वक्त पहले मिलने की इजाज़त दी गई, उनकी पत्नी उनसे मिली, फिर धीरे धीरे उनकी हेल्थ कंडीशन बेटर होती जा रही है ये देखने के बाद उनके बच्चों से भी डॉक्टर्स ने कहा कि आप आपके पिता से मिल सकते हो, जिसके बाद उनकी बेटी जो है अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल रूम में जाती है, जिसके बाद वो बाहर आते ही कहती है कि उन्होंने जब अंदर बोला कि पापा कितने टाइम आप लेटे रहोगे, अब बस उठ जाओ, मैं आ गई यहाँ पे, आप उठ जाइए। इसके बाद राजू श्रीवास्तव की आँखों में थोड़ी सी हरकत दिखाई दी, ऐसा उनकी बेटी का कहना है, बेटी का मानना है कि कुछ हरकत जो है बेटी के इन वाक्यों को सुनने के बाद हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने इस बात को मना किया है और कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो परिवार का एक कहना है, डॉक्टर्स का एक कहना है, अभी जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जी हाँ, राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो, इसके लिए हम सब मिलकर ज़रूर प्रे करते हैं।